महिला स्वयंसेवी समूह की बड़ी भूमिका होने जा रही है। महिला स्वयंसेवी समूह या इनसे जुड़ी हुई बीसी सखी हो या टेक होम राशन की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, ये सभी ऐसे कार्यक्रम हैं जिन कार्यक्रमों को अगर हम लोग हर उस परिवार के साथ संवाद बनाएंगे, देश के अंदर 10 करोड़ बहनों के साथ संवाद बनाना है, 10 करोड़ परिवारों के साथ इन बहनों के माध्यम से संवाद बनाना है, एक बड़ा लक्ष्य है। और प्रदेश में भी अगर हम इस अभियान को इसी की गति के साथ आगे बढ़ाते हैं, जितनी महिला स्वयंसेवी समूह है, जितनी भी टेक होम राशन से जुड़ी हुई बहनें हैं, जितने भी बीसी सखी हैं, कन्या सुमंगला योजना से लाभान्वित है, मातृवंदना योजना से जुड़ी हुई लाभार्थी है, जनधन अकाउंट धारी है, या फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना या प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना का, ये जितने भी अभियान है, इन सभी अभियानों के साथ अगर हम प्रभावी ढंग से आगे जुड़ने का कार्य करते हैं तो कोई कारण नहीं कि आने वाले समय में या आधी आबादी 2024 में, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी का देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में फिर से उन्हें भारी बहुमत के साथ चुने जाने की बात आएगी, तब उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की होगी तो हमारी आधी आबादी की वो भूमिका दिखनी चाहिए। और इसके लिए अभी से इस कार्यक्रम के साथ हमें जुटना पड़ेगा और उस अभियान को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा पाएंगे, इस विश्वास के साथ शक्ति बंधन अभियान के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं एक बार फिर से विजया जी का और प्रदेश और देश भर से आए हुए उन सभी प्रतिनिधियों का, जो उत्तर प्रदेश में आए हैं या उत्तर प्रदेश के हैं तो लखनऊ में आए हैं, उनका हृदय से एक बार फिर से उनका अभिनंदन करता हूं, इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं।